नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लंबी रेस के घोड़े। फ्रेंड्स, जो हमने इंडियन इकोनॉमी का जो सीरीज स्टार्ट किया था उसका चैप्टर 8.12 है और आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो मेक श्योर कि इससे पहले की जो भी क्लासेस हैं वो भी आप देख लें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले और आप आसानी से समझ सकें। तो क्विकली चलिए देखते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो अगर बात करें इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे वी विल डिस्कस इशूज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग। बिफोर दैट आई विल इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर, देन मॉडल APMC एक्ट विल सी एंड रीसेंट इनिशिएटिव वी विल ऑल्सो सी इन दिस वीडियो। तो बने रहें। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो APMC है, जो एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, वो रेगुलेट करता है APMC एक्ट, जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमीशन एक्ट, जो कि बेसिकली एक एक्ट है जिसके द्वारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2477 रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, एक नहीं, दो नहीं, 29 नहीं, ये टोटल कितने हैं, 2477। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल हैं, बहुत ज़्यादा हैं, एंड दे आर रेगुलेटेड बाई APMC एंड देर आर 4843 सब मार्केट्स यार्ड्स। तो ये जो है ये मार्केट हैं और कुछ सब मार्केट यार्ड्स भी हैं छोटे छोटे, तो मिला के करीब बहुत ज़्यादा हैं, लगभग ये 7000 से ज़्यादा हैं। और तो हम कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि मल्टीपल मार्केट्स हैं, सिंगल मार्केट कुछ भी नहीं है, मल्टीपल मार्केट्स हैं। दे आर रेगुलेटेड बाई स्टेट APMC और अलग अलग स्टेट अपने अपने रूल्स बना रखे हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। आगे आपको फर्दर और भी मिलेगा इनके बारे में। देन अगर बात करें तो एग्रीकल्चर कमोडिटी के सेल की, तो जो पहला सेल है वो इसी में APMC के मार्केट में ही होना चाहिए और कहीं नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट सेल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी कैन ओनली बी डन इन APMC, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इशू। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे के स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो इश्यूज़ की बात करें तो एग्रीकल्चर में क्या क्या इश्यूज़ हैं। नंबर वन जो इशू है वो ट्रांसपेरेंसी का है, लैक्स ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो जो ट्रांसपेरेंसी में जो पहला प्रॉब्लम है वो है जो इससे फ़ंड मिलता है, जो फंड जनरेट होता है एग्रीकल्चर मार्केट से, जो कमाई होती है वो उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, उसको कोई उस पे स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो पहला तो ट्रांसपेरेंसी यहीं पे फेल हो जाता है। दूसरा, जो वहाँ पे दलाल हैं, जो वहाँ पे आप जैसे किसान अपना खेत से फसल लेके निकला, मार्केट में पहुँचा, 1000 दलाल वहाँ पे आ जाते हैं, मीडिएटर आ जाते हैं वहाँ पे, जो कि लाइसेंस जिनको दिया जाता है, लाइसेंस होल्डर हैं, और कोई दलाल उनमें इतनी सहमति रहती है आपस में कि वो सबसे कम रेट से स्टार्ट करते हैं और कोई दलाल उससे ऊपर नहीं जाता। तो इतना प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो लैक्स ट्रांसपेरेंसी इज़ वन ऑफ द की प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देन नेक्स्ट वन इज़ मल्टीपल चार्जेस। तो चार्जेस की बात करें तो कई सारे चार्जेस लगते हैं। सबसे पहले तो जो APMC है वो ही चार्ज करता है यहाँ पे। जैसे किसान पहुंचा, वो लाइसेंस होल्डर जो दलाल है उससे कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, उसका सेल करवाएगा और उससे कुछ फीस लेगा। अल्टीमेटली जो जो लाइसेंस जिसको दिया गया है उससे फीस लेता है। APMC का जो मार्केट है वो उससे लाइसेंस देने के लिए उससे पैसा लिया जाता है। तो कई सारे चार्जेस एक किसान को देने होते हैं। एक और बात बता दूं कि जो यहाँ पे जो चार्ज लिया जाता है वो किसी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए आप 100 kg चावल बेचने गए हैं, जो 100 kg चावल आप किसान हैं और बेचने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज लगता है वो बायर सेलर का दोनों को मिला दिया जाता है, 100 + 100, 200 kg हो जाता है वो, 100 kg का क्वांटिटी, जो मतलब टोटल वैल्यू पे चार्ज किया जाता है। अब जो चार्ज 100 kg पे होना चाहिए था वहाँ पे अब 200 kg पे चार्ज लिया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मल्टीपल चार्जेस हैं। और यही नहीं, किसान से ही नहीं, जो वहाँ पे उन मार्केट में जो जो डीलर्स हैं, जो लोग वहाँ पे ख़रीदते हैं,
जो मार्केट में लोग अवेलेबल है उनसे भी चार्ज लिया जाता है, प्लस जो ढुलाई के लिए इनफैक्ट जो लेबर हैं लेबर से भी कुछ ना कुछ चार्ज लिया जाता है, तो मल्टीपल चार्जेस हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। देन अगर बात करें APMC ऑपरेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्क्रूटनी, तो मैंने बोला कि यहाँ पे स्टेट का कोई स्टेट इसको कंट्रोल नहीं करता है, जो भी इससे फंड जनरेट होता है वो बोर्ड के पास चला जाता है, एक बोर्ड होती है, वो बोर्ड बिल्कुल पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है और उसमें जो इसका फंड है उसको स्टेट का कोई भी उसको हिसाब नहीं देना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट ऑफ स्क्रूटनी है। देन अगर बात करें तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, तो मैंने बात किया बोर्ड है, तो बोर्ड में ज़्यादातर जो लोग हैं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हैं और वो नेता हैं, दबंग हैं, ऐसे लोगों के हाथों में पूरा APMC का मार्केट पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्टेट का जो कंट्रोल है इसके ऊपर बहुत ही कम है, और इसके वजह से क्या होता है जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं पॉलिटिकली वो लोग अपने अपने कार्टल बना के रखे हुए हैं, अपने अपने गोडाउन्स बनाए उन्होंने, और कहीं ना कहीं मार्केट का जो भी प्रोड्यूस आता है उनके गोडाउन में पहले जाता है और वहाँ से वो प्राइवेटली वो लोग सेल करते हैं, तो बहुत सारे इशूज़ हैं इसमें। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मॉडल APMC एक्ट क्या है। अगर मॉडल APMC एक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो अभी ये बेसिकली आया था 2003 में, ये एक्ट पास हो गया था 2003 में, ये याद रखे डेट। तो इसमें प्रोविज़न की बात करें तो पहला प्रोविज़न है डायरेक्ट सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस। अभी क्या है कि पहले जो सेल होता था वो सीधा जाके आपको APMC के मार्केट में जाके बेचना होता था, अभी ऐसा नहीं है। APMC एक्ट जो मॉडल APMC एक्ट है 2003 वाला, उसके हिसाब से जो फार्मर है वो प्रोड्यूस जो अपना है खेत में ही बेच सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मर फार्म कॉन्ट्रैक्ट वाला बंदा है जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फार्मर्स से कि भाई चलो ठीक है आपका जो प्रोड्यूस होगा जब आप हार्वेस्ट करोगे मैं सीधा आके आपके खेत से उठा लूँगा उसको, तो ये एक मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि फार्मर को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता है, मल्टीपल चार्जेस नहीं देने पड़ते और उसका जो फार्म का प्रोड्यूस है वो उसके खेत से ही बिक जाता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है प्रोविजनिंग ऑफ स्पेशल मार्केट्स, तो पहले क्या था कि सिंगल मार्केट हुआ करता था, किसी पर्टिकुलर जगह में एक सिंगल मार्केट होगा उसी में हर तरीके के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएंगे, उसमें सीरियल्स भी आएंगे, उसमें पल्सेस भी आते थे, उसमें हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स भी आते थे। तो अभी क्या कर दिया गया कि जो हॉर्टिकल्चर के जो प्रोड्यूस हैं उनको उनके लिए अलग मार्केट की प्रोविजनिंग दी गई है इसके अंदर, तो आप सेपरेट मार्केट देख सकते हैं इसके, इसमें सेपरेट मार्केट का प्रोविज़न है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मार्केट्स इन एनी एरिया बाई प्राइवेट पर्सन फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। तो अभी क्या है कि पहले जो था APMC के द्वारा तो उसमें आपको अलग अलग आप मार्केट नहीं खोल सकते थे कहीं भी, और मोर ओवर जो लाइसेंस जो स्टेट देती थी वही लोग मार्केट ओपन कर सकते थे कहीं भी, और हर जगह मार्केट नहीं ओपन किया जाता था। लेकिन अब क्या है APMC एक्ट 2003 के आने के बाद अब कोई भी को चाहे प्राइवेट पर्सन हो चाहे फार्मर हो चाहे कंज्यूमर हो अपना एक मार्केट कहीं भी किसी एरिया में खोल सकते हैं ये लोग मिलके, तो एक अच्छी बात। नेक्स्ट सिंगल लेवी ऑफ मार्केट फी, पहले क्या था मल्टीपल जो लेवी लिया जाता था वो भी सिंगल कर दिया गया, एक ही फीस लिया जाएगा, और जो जो इस पे रेगुलेशन की बात है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दी गई है। देन अगली बात करें तो लाइसेंस रिप्लेस्ड बाई रजिस्ट्रेशन, तो पहले जो मीडिएटर्स थे जो लोग बाई और सेल करवाते थे उनको पहले लाइसेंस दिया जाता था, लाइसेंस में के लिए देने के लिए उस पर चार्ज लिया करती थी APMC, अभी क्या है वो रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन कराओ भाई, और आप एक रजिस्ट्रेशन से कहीं भी किसी भी मार्केट में आप मीडिएटर का काम कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात, रिप्लेस्ड बाई लाइसेंस रिप्लेस्ड बाई रजिस्ट्रेशन, एक अच्छी बात हो गई यहाँ पे। देन अगर नेक्स्ट बात करें क्रिएशन ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द रेवेन्यू ऑन अर्नड बाई, बेसिकली दिस इज़ अर्नड बाई APMC, तो जो पहले जो APMC की कमाई थी उस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं था, लेकिन अभी इस एक्ट में प्रोविज़न है कि जो भी कमाई APMC से होगी
उसके ऑपरेशन से वो जो भी कमाई होगी उसको इन्वेस्ट किया जाएगा मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए। तो बहुत अच्छी बात, पहले कोई रेगुलेशन नहीं था, अब इस पर रेगुलेशन आ गया, बहुत अच्छी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं क्या क्या है। तो पहली बात करें तो यहाँ पे एडवाइजरी टू स्टेट्स टू गो बियॉन्ड द प्रोविज़न ऑफ APMC एक्ट। अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम स्टेट को एडवाइजरी दिया कि अब भाई आप ठीक है, मॉडल APMC से भी अच्छा कोई आपके पास प्रोविज़न है तो आप उसके भी ऊपर जा सकते हैं और आप अपने मार्केटिंग को फुली आप खोल सकते हैं, कोई रेगुलेशन नहीं, सब कुछ आप ओपन कीजिए। तो पूरा छूट दे दिया गया अभी सेंटर की तरफ से। तो ये एक बहुत अच्छा पहल, बहुत अच्छी बात। स्टेट डिसाइड करेगा भाई कैसे रेगुलेट करना मार्केट को, और ये वो जितना ओपननेस होगा उतनी अच्छी बात। देन एक ई नाम करके आई है। ई नाम बोले तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा, तो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। जस्ट आप समझ सकते हैं कि जैसे अमेजोन है वैसे वैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फार्मर्स अपने सेल प्रोड्यूस को डायरेक्टली ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, उनके जो सेल है उसको उनके खेतों से ही पिकअप किया जाएगा और ऑनलाइन ही उनका सेल हो जाएगा। इसमें करीब मंडीज बनाने की, ऑनलाइन मंडीज बनाने की बात चल रही है, कनेक्ट करने की बात चल रही है, जिसमें शुरू में 2015 से 16 के बीच में 250 मंडीज को जोड़ने की बात की गई, 2015-16। देन 2016-17 में लगभग 200 मंडीज को जोड़ने की बात की गई। देन अगर बात करें 2017-18 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 135 मंडी को जोड़ने की बात की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मंडियों को जोड़ा जाएगा और किसान डायरेक्टली अपने फार्म प्रोड्यूस को सेल कर सकता है डायरेक्टली, तो बहुत अच्छी बात है। और इसको जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको, उसका नाम बता दूं मैं आपको, इसको कहते हैं स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। याद रखें, कई बार आता है कि ई नाम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो इसको याद कर रहे हैं स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। बहुत ही सिंपल है, SFAC आप याद कर लें। देन इसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर है, DAC, जिसको DAC एंड FW बोलते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर्स वेलफेयर, ये इसके एक्सपेंसेस को मीट करेगा जो सॉफ्टवेयर रन करने में लगेंगे। याद कर लीजिए, जो सॉफ्टवेयर को चलाने में जो एक्सपेंस आएगा उसको ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर्स वेलफेयर इसको मीट करेगा। तो आप इसको याद रखें। तो कई सारे स्टेट्स ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, बहुत सारे स्टेट्स इसको एडॉप्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा पहल है, बहुत ही सही है, एक्चुअली ओपननेस आता है इससे। देन एक और पहल था सिंगल, अगर बात करें स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम की, तो उन्होंने एक और पहल उठाया और किसान मंडी दिल्ली में उन्होंने लगाया जहाँ पे डायरेक्ट सेल किया जाता है। किसान आते हैं और कोई रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट किसान आता है, अपने रेड़ी लगाता है और वहाँ पे बिजनेस करता है, अपने सामान को बेचता है। तो ये भी एक अच्छा पहल है। तो ये कुछ रिसेंट इनिशिएटिव है। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आया होगा। हो पसंद आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।